हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माइकल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टेक्स्ट जॉइन फंक्शन के बारे में। टेक्स्ट जॉइन फंक्शन आपको केवल अभी 2019 और ऑफिस 365 पर ही अवेलेबल मिलेगा। इस फंक्शन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि जैसे कि अगर यहां पर देखें, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ मैंने लिखा है कि मनीष इज ए वेरी गुड बॉय, इस तरह से मैंने सुरेश इज ए वेरी गुड बॉय, तो इस तरह मैंने यहाँ पर कुछ सैंपल डेटा तैयार किया हुआ है जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि इस फंक्शन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है। नॉर्मली हम जो यूज करते थे एक्सेल में, फॉर एग्जांपल अगर मुझे इन सभी को अगर ऐड करना हो इकट्ठा एक ही सेल में, तो उसको हम कैसे करते थे पहले, तो उसके लिए हम यहाँ यूज करते थे कॉनकैट फंक्शन का यूज करते थे। और सिंपली हमें यहाँ पर क्या करना होता था कि इसको हम पूरा इस तरह से यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर इंटर प्रेस हमें कर देते थे। अब सिंपल अगर मैं इसको पूरा ड्रैग करता हूँ, ये देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये कंबाइंड तो हो गया है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर देखिए कोई भी विद स्पेस के साथ कहीं भी ये देखिए कुछ भी डेटा यहाँ पर हमें नहीं मिला। अब हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है कि मनीष इज ए वेरी गुड बॉय या सुरेश इज ए वेरी गुड स्टूडेंट या रश्मि इज ए वेरी गुड गर्ल, तो इसी तरह हमें डेटा मिले, कंबाइंड मिले, लेकिन विद स्पेस के साथ। अब उसके लिए ये कैसे होगा, तो उसके लिए ये जो फंक्शन मैं बता रहा था आपको टेक्स्ट जॉइन करके, तो ये वाला जो फंक्शन है ये उस चीज़ में बहुत ही इसमें जो है प्लस पॉइंट है। अब चलिए इसको कैसे यूज करेंगे हम टेक्स्ट जॉइन में आपको बताऊं। टेक्स्ट जॉइन मैंने यहाँ जैसे टाइप किया तो ये पूछ रहा है कि डेली मीटर। अब डेली मीटर मीन्स क्या है, यहाँ पर डेली मीटर मीन्स क्या है कि यहाँ पर आपको स्पेस के साथ अगर उसको देना है तब आप इसको यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या है, स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद हमें स्पेस देना है, फिर हम यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में फिर लिखेंगे, देन कॉमा यूज करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि इग्नोर एम्प्टी एम्प्टी, अगर वो अगर इसमें यह है कि इसका कहने का मतलब ये है कि अगर इस डेटा के अंदर अगर कोई भी सेल ऐसा है, कॉलम ऐसा है कि जहाँ पर कोई डेटा नहीं है, तो ये उस एम्प्टी को जो है इग्नोर करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ क्या कंडीशन कर रख देंगे, हम यहाँ कर देंगे ट्रू। ये उसको अगर अगर वो मिलेगा तो वहाँ ये ट्रू उसको मैच कर लेगा। अब यहाँ पर हमें क्या है, ये पूछ रहा है कि टैक्स वन टैक्स टू, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें वन बाय वन इसको सेलेक्ट करना है, सिंपली हम यहाँ पर इसको इकट्ठा ही इसी तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको क्या है सिंपली यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे। अब देखिए इस फॉर्मूले का मैजिक, जैसे ही मैंने इसको इंटर प्रेस किया तो आप देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा डेटा हमारा देखिए यहाँ पर मर्ज हो चुका है, वो भी विद स्पेस के साथ। तो आपने देखा कि कॉनकनेट एंड इस वाले फंक्शन में कितना डिफरेंस है। अब ये वाला जो फंक्शन है टेक्स्ट जॉइन फंक्शन, इसमें क्या है कि डेटा आपके पास चाहे किस तरह से भी है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपके पास एड्रेस है और वो डेटा जो है अलग हो रखा है, सेग्रीगेट हो रखा है, उसको अगर आपको कंबाइंड करना है, तो उसके लिए ये वाला जो फंक्शन है ये बहुत ही पावरफुल है। अभी मैंने आपको इसमें बताया कि अगर आपको विद स्पेस के साथ अगर इसको इस तरह से यहाँ पर मर्ज करना है तो उसको आप कैसे कर सकते हैं। इन केस आप चाहते हैं कि इसी डेटा के अंदर आपको जो है यहाँ पर कॉमा चाहिए, तो आप कॉमा के लिए आप कैसे यूज करेंगे, सिंपली आप इसको F2 करके भी एडिट कर सकते हैं या आप इसको नया हिसाब से भी इसको आप टाइप कर सकते हैं, लेकिन आपको नया फॉर्मूला टाइप करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली आपको इसमें F2 प्रेस करके यहाँ पर आके आपको यहाँ पर हमने स्पेस दिया यहाँ पर आपको सिंपली कॉमा करना है। अब देखिए कॉमा का मैजिक क्या होगा, मैं सिंपली इसको इंटर प्रेस करता हूँ, आप देख रहे होंगे अब इसमें क्या चेंज हुआ। अब यहाँ मनीष के बाद कॉमा आ गया, फिर इज के बाद कॉमा आ गया, फिर ए के बाद कॉमा आ गया, फिर वेरी के बाद कॉमा आ गया, फिर गुड के बाद कॉमा आ गया और बॉय के बाद यहाँ पर आगे कुछ नहीं आया। अब तो इस तरह से भी आप इस डेटा को यहाँ पर दिखा सकते हैं, तो चॉइस आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे यहाँ पर दिखा सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें आपको और स्पेस देना है, लाइक आपको चाहते हैं कि एक स्पेस ये हो गया और आपको देना है, तो इसको आप सिंपली इस तरह से यहाँ पर देखिए जितना स्पेस आप यहाँ पर चाह रहे हैं तो उस हिसाब से भी आप इसको यहाँ पर दे सकते हैं। अभी देखिए मैंने इतना स्पेस किया है तो यहाँ पर आप स्पेस दे सकते हैं, या अभी अगर आपको चाहते हैं कि यहाँ पर स्लैश देना आपको
तो उसको भी आप इस तरह से यहाँ पर दिखा सकते हैं। चॉइस आपके ऊपर है कि आपको डेटा को यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर दिखाना है। जिस तरह से भी आपको यहाँ लगता है कि मुझे डेटा को शो करना है, तो उस तरह से आप यहाँ पर उसको दिखा सकते हैं। चॉइस आपके ऊपर है कि आपको डेटा किस तरह से यहाँ पर शो करना है, तो उस तरह से आप यहाँ पर उस डेटा को यहाँ पर दिखा सकते हैं। लाइक अगर मैं ये अगर टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर, तो देखिए जैसे मैंने ये टाइप किया तो ये इस तरह से भी यहाँ पर कंबाइंड हो चुका है। तो इस तरह से, तो अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप सिंपली इसको भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। बस सिंगल स्पेस के साथ इसको आप, अगर आपको स्पेस नहीं रखना है तो सिंपली आप इसमें इस तरह से भी, जैसे हमने मैंने आपको पहले बताया कॉन्कोनेटिव में हमने किया था, तो वैसे भी इसको अगर आप उस तरह से भी चाहते हैं तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें स्पेस आपको चाहिए, तो सिंपली आपको यहाँ सिंगल स्पेस के लिए प्रेस बार करना पड़ेगा और सिंपली यहाँ पर आपको इंटर प्रेस करके इसको यहाँ पर सिंपली इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से इसने बहुत ही कम समय में हमें पूरा ये डेटा, देखिए जितने भी हमारे पास यहाँ डेटा था, इसको इसने पूरा यहाँ पर मर्ज करके हमारे सामने इसका रिजल्ट निकाल के दे दिया है। तो इस तरह से जब कभी भी आपके पास बहुत सारा डेटा बल्क में हो, आपके पास बहुत बड़ा चैलेंज हो कि इसको मैं कंबाइंड कैसे करूँ कॉमा के साथ या विद स्पेस के साथ, तो वहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है टेक्स जॉइन फंक्शन जो है, ये बहुत ही एक पावरफुल फंक्शन है जो आपके बहुत ही काम आ सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक माय एक्सेल चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको एक्सेल के नए नए वीडियो देखने को मिल सके। थैंक यू।